न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को पढ़ना का नमस्कार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा हजौली के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धनंजय सिंह ने बताया कि जो मेरे ऊपर अजय प्रधान जी ने आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप हैं, यह राजनीति है। हमारी ग्राम सभा की आबादी 12,000 है और आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मैं किसी भी मामले पर धन उगाही नहीं करता हूँ। गाँव की जनता जानती है मैं ईमानदार हूँ या खराब। आप गांव में आए हैं, पूछ लीजिए मैं सही काम करता हूं या नहीं। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि प्रधान जी सही हैं, सही काम करते हैं, सब राजनीति चाल है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं इसीलिए यह सब किया जा रहा है। मिंटू कुमार, मैं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हूँ। पूर्व प्रधान आप किस गाँव से हैं? हजौली गाँव। हम ये जानना चाहते हैं ग्राम सभा की आबादी की क्या है। सर, यहाँ की आबादी तो सबसे बड़ी है, जो चिलकर ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक सबसे बड़ा गांव है तो ये हजौली हम लोग गांव पड़ता है। हम आपसे जानना चाहते हैं आपके वर्तमान प्रधान जो हैं उनके तमाम तरीके के नाम पर धन उगाही, शौचालय के नाम पर धन उगाही, जो काम किया गया है कि ये भी कहा जाए कि पैसे की दुर्गा उतारा गया है, जो काम कराया गया दो में खराब मटेरियल लगाया गया है जी। और प्रधान एक दबंग किस्म का आदमी है जो भाई गांव में रहता है, किस आप नहीं नहीं देखिए सर, हम बता रहे हैं जो यह चुनाव है ना, जो वर्तमान हमारे प्रधान जी है तो एक हम लोग की सोच थी है ना, जो इसके पहले जो प्रधान जो भी रहे हैं तो उन्होंने जो दलित फॉरवर्ड के लोगों के नाम पर जो आपस में टुकड़ा बांटने का काम किए, लेकिन जब हमारा समाज जो है सोचा इसके बारे में तो हम लोग जो परिवर्तन लाए और जो है दलित और बैकवर्ड मिलकर जो है ऐसा हम लोग दिखाए हैं कि जो आज जो विकास के रूप में हमारा गांव जो है दिखाई दे रहा है। और हमारा गांव जो है इतना जो विकास आज तक जो नहीं था, यह परिवर्तन है कि आज के डेट में हमारा दलित और स्वर्ण वर्ग बैकवर्ड वर्ग सब जो एक साथ मिलकर एक टाट पर है, यह हम लोग का बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो यह आरोप लग रहा है इससे पहले विकास आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया। और यह सर थोड़ा सा और सुन लीजिए, और जी हम लोग भी किए हैं ना, हमारे पिता स्वर्गीय राधा वकील थे, उन्होंने विकास शुरू था लेकिन ठीक साल भर बाद उनकी जो है निर्मम जो है हत्या हो गई। और उसी तरह हमारे जो वर्तमान प्रधान जी इन पर भी जो है कहीं कहीं बाहर से धमकी भी आती है ना, कि ज़्यादा दलदों पर पैकौड़ों पर है ना विकास आप मत कीजिए। यह लोगों के अंदर जलन है कि इतना जो है युवा प्रधान जो पहली बार हुए हैं और ये किस तरह से विकास कर रहे हैं, इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर जो यह हमारे प्रधान जी हैं एक विकास पुरुष हैं और यह लोगों को जो प्रतिद्वंदी है वो जल रहे हैं है ना, कि इस तरह विकास रहा तो आने वाले समय में हम लोग का जो पत्ता जो है गुल हो जाएगा, यह एक जो है भरम फैलाने की जो है साजिश है जी। सर तो चुनाव की तैयारी अभी तो करते होंगे? नहीं सर, ऐसा है कि जो चुनाव हमारा एक विकास मंच है और विकास मंच के माध्यम से हम लोग जो चयन करते हैं, जो भी विकास मंच के द्वारा जो मीटिंग होगी उसमें जो भी चयन होगा उसको हम लोग जो सर्वसम्मत से सब लोग सभी जानता है, दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड जितने लोग हैं हम लोग सभी लोग जो मिलकर जो उनके चयन करते हैं, इसमें हमें हमारे प्रति कोई मतभेद नहीं हो। चाहे आप एक पूर्व प्रधान होते हुए वर्तमान प्रधान की आप तारीफ कर रहे हैं जी, तो क्या हुआ वास्तव में ऐसे काम किए हैं? जी सर, हमसे नहीं पूरी जनता से आप पूछ सकते हैं कि एक विकास की लौर जहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे लाइट के मामला हो, बिजली का मीटर हो, रोड लगाए जा रहे हैं, किसकी कल लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं? सर जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, बहुत लोग प्रतिद्वंदी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जो विकास से डरते हैं वो हमारा दुश्मन है सब मिलाकर। मेरा मतलब वही है कि जो लोग विकास से डरते हैं, चाहते हैं कि इस गाँव में विकास ना हो, सिर्फ जो है जात के नाम पर वोट लिया जाए, वह हमारे दुश्मन है, वह कोई भी जात के हो सकते हैं, लोग बैकवर्ड के भी हो, दलित के भी लोग हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, जिनके अंदर यह भावना है कि जो है हम जात के नाम पर वोट ले, विकास उनके लिए जो शून्य है, वो हमारे दुश्मन है सर।
मतलब आप चुनाव रजिस्टर को मानते हैं? जी जी। धनंजय सिंह ग्राम प्रधानपति जी हजौली। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी कार्यकाल की अवधि खत्म होने वाली है। जी जी जी, आपने कार्यकाल की अवधि में इतने सालों में आप किस तरह की विकास कार्य किए अपने ग्राम सभा में? सर, सरकार की जो भी हमारे पास धन आया हुआ है, 14वां और राज्य वित्त, मैं सरकार की सारी योजनाओं को देखते हुए गांव में बहुत ही विकास किए हैं। सारी सड़क नाली खड़ंजा मरम्मत सारा काम किए हुए हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं केंद्र सरकार की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना है शौचालय। जी सर जी जी, तो आपने ग्राम सभा में कितने शौचालय अभी तक कितने प्रतिशत दिए हैं? लगभग मेरे यहाँ 95% जो है शौचालय दे दिया गया है। जी हाँ। इसमें कहा गया है विपक्ष के द्वारा आपके पत्र में शौचालय के नाम पर धन उगाही की गई है। जी जी जी, इस पर क्या राय है? मैं शौचालय के नाम पे जो है सारे खाता धारक के नाम से जो है उसके खाते में भुगतान किया हूँ, और जनता द्वारा आप पता कर सकते हैं कि मैं 1/54 किसी से जो है धन उगाही के नाम पे कोई जो है बात नहीं किया हूँ। जी जी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं 2011 की सूची के अनुसार आवास कितने आप ग्राम सभा में मिला है? जी जी, लगभग हमको याद है कि 35 से 40 आवास हमारे ग्राम सभा में आया हुआ है जो पात्र लोगों को दिया गया है, और BDO साहब और सचिव साहब वेरिफिकेशन करने के बाद ही आवास दिया गया है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आवास के नाम पर ये कहा गया 20 से 30 हज़ार रुपये धन उगाही की गई है। जी जी, इस पर आपकी आप आरोप लगाया जाए? सर, ये सब राजनीतिक व्यवस्था से जो है गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कुछ गुंडे मवाली तरह के लोग हैं जो हमारे ऊपर हमेशा ब्लेम लगाते रहते हैं, और बराबर जो है गांव में अफवाह फैलाते रहते हैं और समाज को जो है दिग्भ्रमित करते रहते हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा की आबादी कितनी है? लगभग 12,000 के करीब है हमारे ग्राम सभा की आबादी। जी जी, आपके यहाँ वोट बूथ कितने लगते हैं? बूथ हमारे यहाँ सर 7 हैं 6 हैं, ग्राम सभा में 6 बूथ लगते हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके यहाँ जो केंद्र सरकार की योजना के तहत जी जी जो आवास इस बार आ रहा है, तो कितने प्रतिशत आपके पहुँच गई है? लगभग 445 की सूची हमारे यहाँ से पात्र लोगों की गई है। जो भी भारत सरकार की योजना है पूर्ण रूप से स्वच्छ है, और सरकार के अनुसार ही हम लोग योजना को जो है उनके कथना अनुसार ही लागू करते हैं। लोग बाकी रह गए हैं? बाकी लगभग नहीं है सर, सारे लोगों को जो है सूची में जो है क्रमबद्ध जो है डलवा दिया गया, फोटो भी खिंचवाए हैं और सूची भी जारी करवा दी गई। जिस प्रकार का हमें होगी जानकारी से आपके ऐसे तमाम दरखास्त जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचा है, और उस तरह से आज 13 तारीख को जाँच कमेटी आपके आने वाले थे, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। जी जी, रजेश कुमार त्रिपाठी ग्राम सभा जौली का नागरिक हूँ। जी जी, यहाँ शिकायती बार बार आ रही है प्रधान द्वारा तमाम तरह की धांधली की जा रही है, और यहाँ जांच कमेटी भी आने वाली, तो क्या सच्चाई है आप लोग बता सकते हैं? सच्चाई ये है कि पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, गांव में प्रतिद्वंदी बहुत हैं, राजनीतिक साजिश के तहत ऐसे काम किए जा रहे हैं बराबर। चूँकि पंचायत चुनाव नज़दीक है, सब लोग अपना आरोप प्रत्यारोप लगा करके उकसा करके किसी माध्यम से अपना पर ये दिलवाए हैं दरखास्त, ये तो घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है जांच के लिए। जितेंद्र प्रसाद खरवार, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही घर है आगे। नाम बताइए, गांव का क्या नाम है? हजौली सहिता सिंह के पूरा। जी जी, आप प्रधान जी का नाम जानते हैं? हाँ हाँ। क्या नाम है? श्री धनंजय कुमार सिंह आरती सिंह। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपको शौचालय मिला है? हाँ हाँ मिला है।
6 लाख या जो भी पैसा आता हो, एक बार में प्रधान कहीं उतारने की हिम्मत नहीं है किसी को, सच्ची उतार दे। आज दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल के लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।